सो वेल गाइज, अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, रैपर या फिर एक कवर सिंगर, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आर्ट वर्क किस तरह से आप अपना प्रोफेशनल बना सकते हैं, किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है एक कूल और प्रोफेशनल लुकिंग आर्ट वर्क को डिज़ाइन करने के लिए, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर सिंगल, EP या फिर एल्बम, बताऊँगा आज के इस वीडियो में। इट्स योर बॉय सुल्तान, यू आर वॉचिंग नो हिप हॉप, सो लेट्स स्टार्ट रोलिंग विद दिस वन। तो वेल गाइस, इस चीज़ के साथ तो हम सभी लोग एग्री करेंगे कि एक कूल लुकिंग आर्टवर्क आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो ऑडियंस होती है उनको वो गाना सुनने का मन करता है और कहीं ना कहीं वो आर्टवर्क इंस्पायर करता है ऑडियंस को, लिसनर्स को, वो सॉन्ग को चेकआउट करने के लिए। तो किस बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप एक ऐसा आर्टवर्क डिज़ाइन कर रहे हैं अपने सॉन्ग के लिए? तो गाइस, जो थंब रूल है वो ये कहता है कि आपको दो चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके गाने का थीम क्या है, आपके गाने का टॉपिक क्या है, किस टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हो। कहीं ना कहीं उसकी झलक, उसकी रिफ्लेक्शन आपके आर्टवर्क डिज़ाइन में दिखनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो सिंक में होना चाहिए। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके गाने का मूड, आपके सॉन्ग का मूड या फिर आपकी पूरी एल्बम का मूड क्या है, वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके आर्टवर्क से। और जब आप ऐसे आर्टवर्क बनाते हो तो इससे क्या होता है कि क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है ऑडियंस में, लिसनर्स में, और एंटिसिपेशन बढ़ जाती है कि इस सॉन्ग में क्या बातें होने वाली और किस तरह का ये सॉन्ग होने वाला है। तो वो पर्पस भी आपका यहाँ पर सॉल्व कर लेता है। मेरे लास्ट सॉन्ग ग्रेटेस्ट का मैंने आर्टवर्क डाला था अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, और आप लोगों ने मुझे कहा भी था, रिक्वेस्ट भी की थी कि आप लोग भी कुछ इसी तरह का आर्टवर्क डिज़ाइन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो गाइज, हियर इज़ द वीडियो, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से एक प्रोफेशनल लुकिंग कूल आर्टवर्क आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं अपने सॉन्ग के लिए। तो चलते हैं मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे। सो वेल गाइस, सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने है एक नॉर्मल फोटोग्राफ मेरा, जो मैंने कि अपने फ़ोटोशूट किया था, और दिस इज़ द आर्टवर्क जिस पर मैंने इसे फाइनली कन्वर्ट किया है। तो आप ये कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं हम एक एक करके। तो गाइस, सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जब भी आपको अपना आर्टवर्क डिज़ाइन करना है तो आपको एक बेसिक फ़ोटोशूट करना काफ़ी ज़रूरी है। आप बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स खींच सकते हैं और उसके बाद आपको जो फ़ोटो लगता है कि आपकी थीम के साथ सबसे बेस्ट जा रहा है, आप उस फ़ोटोग्राफ को यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने फ़ोटोग्राफ यूज़ किया। उसके बाद आप फ़ोटोशॉप पे जा सकते हैं, और मैं एक एक करके सारी चीज़ें हटा देता हूँ और आगे, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझा सकूँ कि बाकी चीज़ें आपको कैसे यहाँ पर यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो फ़ोटोग्राफ है हमारी, हम वो फ़ोटोग्राफ ले लेंगे। ये टूल होता है जिसे मैग्नेटिक लैसो टूल कहते हैं। मैग्नेटिक लैसो टूल के थ्रू आप इसकी अंडरलाइंस कर सकते हैं और उसको हाईलाइट भी आप कर सकते हैं, और उसके थ्रू इजीली आप अनवांटेड स्पेस जितना भी है पीछे का बैकग्राउंड आप वो चेंज कर सकते हैं। और ये मैंने ऑलरेडी करके रख लिया है। अब आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि आपके सॉन्ग का थीम क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे सॉन्ग का थीम था और टाइटल था ग्रेटेस्ट, जिसमें मैं बात कर रहा था बीइंग इंडिपेंडेंट और मेरी अचीवमेंट्स के बारे में। तो दो चीज़ें मेरे ध्यान में सबसे पहले आई कि हमें कुछ ऐसी चीज़ करनी है जो कि हमारे आर्टवर्क में रिफ्लेक्ट करे, हम जो भी बातें कर रहे हैं या फिर जो वीडियो भी होने वाला है, वीडियो के विजुअल्स भी हमारे आर्टवर्क के साथ रिलेट कर सके। और गाइस, जैसे कि आपने देखा है कि मैंने वो वीडियो जो शूट किया है वो पहाड़ों पे जाके शूट किया है। तो सबसे पहले मेरे आइडिया मुझे यही आया कि हम सबसे पहले क्यों ना एक काम करें कि अपना बैकग्राउंड में पहाड़ों का वो फील दे दे जो कि उस गाने के साथ बिल्कुल इन सिंक जाता है। तो वो करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है अब अपने गूगल पे, और गूगल पे अगर आपको इसी तरह का कुछ क्रिएटिव यूज़ करना है, कुछ डिफरेंट क्रिएटिव यूज़ करना है, तो आप यूज़ कर सकते हैं सरियल, और इसमें थोड़े से रियलिस्टिक और थोड़ी सी इलस्ट्रेशन टाइप की और कुछ डिज़ाइंड जो प्रॉपरली ग्राफिक डिज़ाइंड होते हैं हमारे इलस्ट्रेशंस, उस तरह के आपको डिज़ाइंस मिलती है। सर रियल मतलब कि जो एक्चुअली में रियल नहीं होती है बट रियल जैसा वो आपको एहसास कराते हैं। तो यहाँ पे मैं क्योंकि माउंटेंस चाहिए तो सर रियल मैंने माउंटेंस डाल दिए हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर आपको हमेशा जब भी आप सेलेक्ट करते हैं इमेजेस, सर्च करते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आप लार्ज साइज़ को क्लिक करें ताकि आपको सिर्फ हाइएस्ट क्वालिटी की इमेजेस ही यहाँ पर ये मिले। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको यहाँ पर सिर्फ क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाली इमेजेस यूज़ करनी है। तो आप यहाँ पे टूल्स में जाके ये सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में किसी भी तरह का कॉपीराइट वायलेशन का, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कोई और लीगल इम्प्लीकेशन ना हो। तो ऑलवेज़ यूज़ क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस इन द फिल्टर। और इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारी इमेजेस यहाँ पर आ गई है, और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं यूज़ करना तो इसी तरह से सर्च करते करते डिफरेंट आप
टर्म्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, सरियल माउंटेन्स, सरियल हिल्स, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और इसी तरह से आप कुछ ऑप्शंस अपने शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, और जैसे ही अपने ऑप्शंस आप शॉर्टलिस्ट करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे हमें क्या करना है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ अपने ऑप्शंस यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं, तो ये वाला हमारी थीम के साथ नहीं जा रहा है। ये माउंटेन का एक मुझे इमेज मिला था जो हमारी थीम के साथ जा रहा है, इससे बेटर मुझे ये लगा है, और साथ ही साथ हमारे पास ऑप्शन में ये भी है। तो तीन चार ऑप्शन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, बट मुझे पर्सनली लगता है कि दिस इमेज इज़ लुकिंग बेटर, ये वाला बैकग्राउंड ज़्यादा बेटर लग रहा है हमें, तो हम ये वाला बैकग्राउंड यहाँ पर यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ हम कोशिश करते हैं यहाँ पर कि थोड़ा सा इसको कुछ डिफरेंट यहाँ पर कुछ फील दी जाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो अंडरलाइनिंग कर रखी है, जो मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहते हो, बट अगर इसे नॉर्मल रखना चाहते हो तो आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है कि आपके सॉन्ग की और कौन से एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए एक ग्लोइंग हेलो। क्यों इसका ये मैंने यहाँ पर क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमारे जो सॉन्ग का नाम है वो है ग्रेटेस्ट, और कोई भी चीज़ अगर ग्रेटेस्ट आप दिखाना चाहते हो तो नॉर्मली हम अपने हेलो को यूज़ करते हैं, और हेलो के थ्रू आप दिखा सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या चीज़ कन्वे करने वाले हैं। तो ग्रेटेस्ट के लिए हमने यूज़ किया हेलो। अब आप हेलो कैसे फिगर आउट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, हमें क्या करना है, हमें जाना है गूगल पे और हमें यहाँ पर लिख लेना है हेलो, और साथ ही यहाँ पर png.png डाल देना है। png जैसे ही आप डालते हैं तो आपको वो इमेजेस मिलती है जिसका कि बैकग्राउंड पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, और जब आप उसे रेंडर करते हैं अपने फोटोशॉप पे तो वहाँ पर बैकग्राउंड नहीं आता है, सिर्फ आपको हेलो मिलता है। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पर हेलो डाला है, और हेलो मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि दो बार यूज़ करने के लिए, ताकि थोड़ा सा और उसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा और स्ट्रेंथ और ज़्यादा अच्छे से आए। नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो आप अपने लेबल या फिर अपने आर्टिस्ट का कोई आपका लोगो है आप वो वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, जिस तरह से कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपने सुल्तान नेशन का लोगो यूज़ किया है। और इसके अलावा भी जैसे बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हो तो इस बैकग्राउंड को, ये बैकग्राउंड था हमारा प्लेन बैकग्राउंड जिसके आगे हमने ये अपनी इमेज लगा दी है, और बैकग्राउंड को हमने थोड़े से फिल्टर लगा के थोड़ा सा कलर करेक्शन करके थोड़ा सा चेंज कर दिया, जो कि अब बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा है। राइट गाइस, हेलो को जैसे मैंने कहा कि मैंने इसको थोड़ा सा एक और यहाँ पर मैंने हेलो का एलिमेंट देने के लिए, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट हो, मैंने एक और कॉपी उसकी वहाँ पर जनरेट कर दी है। अब बात करते हैं, आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये लगा हुआ कि यहाँ पर इस आर्टवर्क में इतने सारे पिजन्स क्यों हैं। तो गाइस, पिजन का मतलब होता है आज़ादी, इंडिपेंडेंस, और मी बीइंग एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, ये पिजन्स उस आज़ादी को रिफ्लेक्ट करते हैं। उसकी वजह से मुझे लगा कि मेरे को यहाँ पर अगर मैं पिजन रखता हूँ तो काफ़ी अच्छा फील ये दे सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, पिजन्स हमने यहाँ पे एक बार शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं हम अपने सारे पिजन्स, जितने में पिजन यहाँ पे लगाने। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपको अपना नाम, अपना आर्टिस्टिक नाम वहाँ पर कैसे रखना है। तो एक अच्छा सा फॉन्ट लीजिए और उसको कलर करेक्ट कीजिए प्रॉपरली, और एक अच्छे कलर में आप अपने फॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी हो जाती है, अगर आपको एक और पिजन जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मेरा पिजन यहाँ पे एक और आ गया है जो कि थोड़ा सा और भरा भरा इसको लुक दे रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ में, तो यहाँ पर हमें यूज़ करना है अपना टाइटल। तो टाइटल के लिए मैंने जैसे ग्रेटेस्ट था, मैंने डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स यूज़ किए, और जो फॉन्ट मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये था, तो फाइनली मैंने इस तरह से फॉन्ट यूज़ किया अपना। अब एग्जैक्टली जैसे आपका क्वेश्चन है कि हम पिजन कैसे ढूंढ सकते हैं, तो सेम वही प्रोसेस है जैसे आपने हेलो के थ्रू, png के थ्रू, .png फाइल्स के थ्रू आपने हेलो ढूंढा था, उसी तरह से आप पिजन्स ढूंढ सकते हैं। तो जैसे आप डालते हैं पिजन्स, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं पिजन्स के, जो कि png फॉर्मेट में है, जिसका मतलब ये है कि आप इजीली, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पिजन है, ये पिजन है, काफ़ी सारे पास आपके ऑप्शंस आ जाते हैं जो कि आप इजीली यूज़ कर सकते हैं अपने क्रिएटिव में। और इस तरह से आप इजीली अपना एक बहुत ही गुड लुकिंग कूल आर्टवर्क रेडी कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। सो वेल गाइज, देखा आपने कितना ईजी, कितना सिंपल है अपने आर्टवर्क को डिज़ाइन करना। ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है, यहाँ पे जितनी बार आप अपने आर्टवर्क पे काम करेंगे, जितना ज़्यादा आप एग्जीक्यूशन करेंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके स्किल्स पॉलिश होती रहेगी, और टाइम के साथ आपकी जो आर्टवर्क है उसमें काफ़ी इन्हेंसमेंट आ जाएगी, उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल
दिखेगा। तो गाइस आई एम श्योर कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए अगर आपकी कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है, मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि इसी तरह की बहुत सारी वीडियो लेकर आता हूँ मैं हर वीक आप लोगों के लिए। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। इट्स अ बॉय सुल्तान साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नो हिप हॉप। टिल देन लॉट्स ऑफ लव एंड पीस।